ये देखिए, जिसने किसी अगर किसी ने बुक वगैरह पढ़नी है, कोई भी मामला है, वो इस तरह रख के पढ़ सकते हैं, बैठ के टेक लगा के। जिसने ऊपर नहीं बैठना वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह भाई से और माशाल्लाह ये देखें, ये बस नीचे बैठ के बुक पढ़ने के लिए या लैपटॉप यूज़ करना, नीचे ज़मीन पे बैठ के, तो हर चीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त चेयर है। इसकी क्या रेट है? अच्छा, उस ये बैग 800 का और ये 1200 बताया ना आपने, इनमें क्या फ़र्क है? इसका क्वालिटी का फ़र्क है, वो नॉर्मल कपड़े में बना हुआ है थोड़ा सा, ये अच्छे कपड़े में बना हुआ है। तो ये बड़े बैगों की तरफ अगर आ जाते हैं हम, तो ये किस तरह? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह करते हैं जी आज का व्लॉग, आज की स्टोरी शुरू। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज सीन कुछ ऐसे है कि मैं अभी तक मसरूफ़ था, तकरीबन असर की नमाज़ भी हो चुकी है, तो मैं आज भाई ज़ीशान ट्रेजर्स के नाम से दुकान है पूरा एड्रेस, और पूछ लेते हैं इनसे क्या क्या होता है इनके पास। इंशाल्लाह आज इनका जो जो भी है आपको मुनासिब रेट में बैग वगैरह जो जो है इनके पास सामान, वो आपको इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह हम तो बस पहुँच गए, यहाँ पर लेते हैं इंशाल्लाह भाई का इंटरव्यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सारे बैग लगे हुए हैं, टोटल इनका पूछ लेते हैं, अलग अलग बैग का टोटल पूछ लेंगे। पहले मैं सारे आपको व्यू दिखा दूं उनके पास है क्या क्या। माशाल्लाह देख लें, ये देखें माशाल्लाह, ये रोटी रखने के लिए होते हैं, हर वक्त माशाल्लाह भाई की दुकान इस तरह ही बड़ी भरी हुई होती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भाई दिशान के छोटे भाई के पास आ गए हैं, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ थोड़ा ऊंची ताकि व्यूअर्स को समझ में भी आए। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये आपके पास क्या क्या सामान होता है पहले पूरा बता दें। सारा सामान होता है। आवाज़ थोड़ा सा ऊंची। बैग वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा, सब बैग्स होते हैं आपके पास, सारा सामान होता है, बर्तन भी होते हैं मेरे ख्याल में, है ना? जो जमात में जाने के लिए लोगों को बर्तन चाहिए हों, वो भी ज़ीशान ट्रेडर्स पे आपको मिलेंगे क्या? वो मसलन के सीज़न के हिसाब से होते हैं वो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वैसे अमूमन जो रेट चल रहा होता है बर्तनों का, वो क्या चल रहा होता है एक सेट का 15 दिन के लिए? 15 दिन के लिए 500 रुपये। 15 दिन के 500 रुपये, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अगर आप इस बैग का क्या रेट चल रहा है? इसका 1200 रुपये रेट है। 1200 रुपये रेट है। और इसका? ये की दोनों सेम है, ये भी सेम है? नहीं, वो 800 रुपये का, ये वाला 800 रुपये का। क्या क्वालिटी में फ़र्क है? अच्छा, उस ये बैग 800 का और ये 1200 बताया ना आपने, इनमें क्या फ़र्क है? इसका क्वालिटी का फ़र्क है। क्वालिटी का फ़र्क है, वो नॉर्मल कपड़े में बना हुआ है थोड़ा सा, ये अच्छे कपड़े में बना हुआ है। तो ये बड़े बैगों की तरफ अगर आ जाते हैं हम, तो ये किस तरह? ये 3000 रुपये। ये 3000 रुपये का। और ये? ये 2000 रुपये का। अच्छा, इसमें ज़रा पॉकेट्स वगैरह भी ज़्यादा है, बड़ा बैग है मेरे ख्याल में, इसलिए कपड़े तो दोनों का सेम ही लग रहा है। कपड़े सेम है। अच्छा माशाल्लाह। तो और ये कौन सा? ये वाला जी, ये 2000। 2000 रुपये का। और ये वाला? ये 2500। ये बैग छोटा लग रहा है साइज में, पर कपड़ा इसका अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। ये कपड़ा अच्छा ही खुल के बड़ा होता है। अच्छा, खुल के बड़ा हो जाता है ये। अच्छा 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 अच्छा। इसकी साइज़ों में इन्होंने जिप भी दी हुई है, और वो जो साइड वाला, ये भी 2000 रुपये का। अच्छा 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 अच्छा। और उसके अलावा ये दोनों से ऊपर लगे हुए हैं, ये 3000 वाले सेम। अच्छा जी, ये कितने का जी? ये 2000 रुपये का। 2000 रुपये का। ये बड़ा होने की वजह से, साइज़ की वजह से? ये साइज़ की वजह से नहीं है, इसका कपड़ा अच्छा है, दानेदार है। अच्छा, इसका कपड़ा दानेदार है। अच्छा है, माशाल्लाह जी। और ये बैग कितने का जी? ये 2500 रुपये का है। माशाल्लाह, बैग तो अच्छा लग रहा है यार, टूरिस्ट वगैरह के लिए भी बहुत ज़बरदस्त बैग है ये, और वैसे भी जमातों के लिए भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैग है ज़ीशान ट्रेडर्स। हर बैग के ऊपर इनकी मोहर भी लगी हुई माशाल्लाह। और इसकी क्या रेट है? इसका 1000 रुपये। इसका? इसका 1500 रुपये। इसका सेम। अच्छा जी। और ये सारे सेम, ये वाले सेम है, ये 1000 रुपये। ये सब 1000 रुपये के हैं। ठीक है जी। और ये 1500? हाँ जी। अच्छा, जो ये छोटा बैग जो आ रहा है आपके पास, ये कितने का जी? ये वाला? ये 200 रुपये का। ये 600 रुपये का। अच्छा, ये? ये 300। अच्छा, ये 600 का क्यों है? इसमें 5 GB। अच्छा, 5 GB है, माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये तो काफ़ी खुला है, मैं तो छोटा सा ही समझ रहा था। और ये इसमें देखें, ये फ़र्क है। और ये 200 का बोला आपने? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अभी आगे आ रहे थे, वो क्या पड़ा हुआ ऊपर?
वो कुर्सी है चेयर। अच्छा अच्छा कुर्सी है, कोई इसका सैंपल पड़ा मैं नीचे? अच्छा अच्छा ये कुर्सी है वो। अच्छा 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 तो पहले इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा, थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा। इसको खोल दिया। अच्छा 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 थोड़ा माशाल्लाह, थोड़ा इस पर बैठ के दिखा दें व्यूअर्स को कहता कि अच्छा अच्छा जी ज़बरदस्त माशाल्लाह। कितने की है जी ये? अच्छा माशाल्लाह इस तरह। अच्छा ये खुल के बड़ा भी हो सकता है। अच्छा माशाल्लाह। और ये कितना रेट है इसका? इसका 1500। 1500 रुपया रेट है। और इसके अलावा ये हॉटपॉट जिनसे पड़े हुए हैं इनका क्या रेट है? ये 600 रुपये का छोटे वाला। अच्छा अच्छा ठीक है। ये 500 रुपये का। जी जी क्या क्वालिटी का क्या फ़र्क है इनमें? ये बड़ा लग रहा है हालांकि। हाँ ये कपड़े का फ़र्क है ना। अच्छा 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 इसके नीचे बोल्ट हैं। अच्छा 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 और इसके नीचे बोल्ट हैं। अच्छा 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 माशाल्लाह। और ये ऊपर वाले कितने के हैं जी? ये 800 रुपये का। जी जी ये 1000 रुपये का। अच्छा 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 ये दानेदार कपड़े। हाँ जी। अच्छा 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 और क्या होता है आपके पास? एक तकिया भी बेचते हैं, सेल करते हैं? हाँ जी। ये कितने का दे रहे हैं एक तकिया? ये 150 रुपये का। 150 रुपये का छोटा मिनी तकिया है इनके पास, 150 रुपये का। और क्या है आपके पास जी? और बड़ी चेयर है। बड़ी चेयर कौन सी दिखा दें एक बार व्यूअर्स को? माशाल्लाह जी ये बड़ी चेयर है, अभी भाई खोल के दिखाते हैं हमें। चेयर का कपड़ा भी माशाल्लाह अच्छा लगा हुआ है और चेयर वैसे भी देखने में बड़ी खूबसूरत है। ये नीचे ज़मीन पे बैठने वाली चेयर है ये, है ना भाई? ये ज़मीन पे बैठने वाली चेयर है। इसके ऊपर बकायदा पूरी आपको ये देखें बेल्ट भी लगा हुआ है फोल्ड होने के लिए। ये चेयर है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेयर है, यहाँ बैठा जाता है माशाल्लाह। मैं खुद आपको बैठ के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए जिसने किसी अगर किसी ने बुक वगैरह पढ़नी है, कोई भी मामला है, वो इस तरह रख के पढ़ सकते हैं बैठ के पीक लगा के। जिसने ऊपर नहीं बैठना वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह भाई से पूछ। और माशाल्लाह ये देखें, ये बस नीचे बैठ के बुक पढ़ने के लिए या लैपटॉप यूज़ करना नीचे ज़मीन पे बैठ के, तो हर चीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त चेयर है। इसकी क्या रेट है? इसका 3000। 3000 रुपये रेट है। व्यूअर्स के लिए थोड़ी डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा इंशाल्लाह थोड़ा बहुत। हाँ जी 2500 रुपये। इंशाल्लाह थोड़ा बहुत डिस्काउंट, इंशाल्लाह थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा। आप आइएगा इंशाल्लाह। इनका एड्रेस मैं आपको अभी बता दूंगा भाई से पूछ के, और कार्ड वगैरह भी विजिटिंग आपको दिखा दूंगा। और उसके अलावा मसल्ले वाली भी तो होती है ना एक चेयर? हाँ जी वो है, दिखाएँ ज़रा। ये माशाल्लाह ये चेयर एक और है माशाल्लाह। ये जी जानमाज वाली चेयर, ये इसकी जानमाज भी बन जाती है। और ये वैसे भी ये देखें माशाल्लाह, जानमाज बना दें पहले इसकी, पहले जानमाज बना दें। ये देखें ब्रैकेट भी दिए मैं इसके अंदर। और ये देखें ये जानमाज बन गई है। और इसको चेयर करें ज़रा एक मिनट, इसके ब्रैकेट बंद हो गए थोड़े से। और जानमाज के ऊपर अगर ये देखें, ये बंदा बैठ जाता है इसके ऊपर, इसके ऊपर टेक लगा के बंदा बैठ भी जाता है। ये कितना, इसका क्या रेट है? इसका 1600 रुपये रेट है माशाल्लाह जी। और क्या इसके अलावा? अच्छा बर्तनों में क्या क्या होता है आपके पास? बर्तनों में कूलर होता है, सिलेंडर होता है। कूलर सिलेंडर हो गया, और पतीले होते हैं दो माशाल्लाह, और प्लेटें होती हैं जी, ड्रम होते हैं जी जी, और कप होते हैं चाय पीने वाले, चाय पीने की केतली कप होते हैं, प्लेटें होती हैं, कासे जाम जिसे बोलता जाता है, जो कटोरे होते हैं बड़े वो होते हैं। उसके अलावा कूलर होता है, सिलेंडर होता है, और दस्तरखान होता है, और शायद बैग भी होता है जिसके अंदर बर्तन डलते हैं। बस यही है। ठीक है बहुत शुक्रिया। और छोटी चम्मचें भी होती हैं, और भी होता है कुछ इसके अलावा कोई सामान? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। देखें कितने अच्छे रेट, और कितने माशाल्लाह कितने अच्छे रेट हैं, और कितने मुनासिब रेट हैं भाई के पास। और भाई का एड्रेस वगैरह सारा इनसे ले लेते हैं, और विजिटिंग कार्ड भी आपको दिखा देते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, दुकान नंबर एक तबलीगी मरकज़ रायविंड इत्तेफाक मार्केट, दुकान नंबर एक तबलीगी मरकज़ रायविंड। और ये पूरा दिखा हुआ है, निशान भाई का नंबर भी, कॉन्टेक्ट भी। आप डिलीवरी भी कर देते हैं? डिलीवरी भी है। डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे? और ये इनके ये भी है एक मोज़े की क्या नाम है उसका, बर्तन वगैरह और मच्छरदानी के लिए भी सारा सिस्टम है। आप अपने मुँह से भी एक दफ़ा एड्रेस बता दें। इत्तेफाक मार्केट, दुकान नंबर एक रायविंड, 9 नंबर गेट के करीब है ये। ठीक है, और क्या नाम है उसका, और क्या कहना था, मच्छरदानी वगैरह भी होती हैं आपके पास इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मच्छरदानी का वैसे क्या रेट चल रहा है? मच्छरदानी का चल रहा है अभी 2000। 2000 रुपये मच्छरदानी का, कोरियन का? हाँ, कोरियन का 2000 रेट चल रहा है माशाल्लाह। और जो लोकल वाली है सस्ती, वो तो 600-700-800 रुपये। अच्छा माशाल्लाह। और क्या नाम है उसका, 600-700-800 रुपये की भी मिल जाती है लोकल वाली। और अच्छा
डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे अगर किसी ने आपसे कोई चीज़ मंगवानी है? वो कर देते हैं एडवांस, वो आप जब कोई रब्ता करेगा आपको उसी वक्त बताएंगे सामान के हिसाब से। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे इंटरव्यू लेके, बहुत आपके अच्छे रेट थे, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उम्मीद है आपको आज की स्टोरी, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहते हैं क्योंकि मगरिब की अजानें शुरू होने लगी हैं, तकरीबन हो ही रही हैं, तो जाके नमाज़ पढ़नी है। तो आज का व्लॉग, आज की स्टोरी इंशाल्लाह यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली स्टोरी में, अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।